अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब। मैं हूं हवा इदरीस और आज मैं आपको विंड टरबाइन बनाना सिखाऊंगा। विंड टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो कि विंड पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और ये हम बेसिकली साइंस फेयर प्रोजेक्ट है। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है डायनमो, आयरन स्ट्रिप, सम स्क्रूज, पीवीसी पाइप, ट्राईपॉड स्टैंड। विंड टरबाइन की जो मेन डिवाइस है वो है एसी जनरेटर, और इसके लिए हम डायनमो यूज़ कर रहे हैं जो कि 12 वोल्ट और 5 वॉट की है। और इसकी जो हम ब्लेड्स बनाएंगे वो हम बनाएंगे पीवीसी पाइप के। पीवीसी पाइप की जो मेजरमेंट है वो ये है कि ये 14 इंच इसकी लेंथ है और 4 इंच और 11.5 सेंटीमीटर का डाया है। सबसे पहले हमने 12 सेंटीमीटर विड्थ और 33 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके कट कर लेना है। बिल्कुल परफेक्टली कट कर लिया। अब हमने इसको हाफ फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें इसके फर्स्ट पॉइंट से लेकर इसके सेकंड पॉइंट के बिल्कुल सेंटर तक एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, और बिल्कुल केयरफुली करनी है ताकि प्लेट्स का डिज़ाइन बिल्कुल सही हो। और प्लेट्स का डिज़ाइन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी तरीके से वो मतलब कि हमें हमारे आरपीएम बढ़ेंगे। और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेम हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करनी है। अब हमारा टेम्पलेट ऑलमोस्ट तैयार है, अब हम इसे केयरफुली कट कर लें। और आफ्टर कटिंग हमारा टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखेगा। जो हमने टेम्पलेट कट करा है अब हम उसको पीवीसी पाइप पे स्टिक कर देंगे, और इस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे तो हमारे पास बना बनाया एक ब्लेड आएगा। मैं इसमें टेम्पलेट ड्रॉ कर चुका हूँ और अब मुझे इसे कट करना है, और इस तरह के दो पीसेस कट करने हैं। तो बहुत केयरफुली कट करना है। जो प्लेट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम उसके जो एंड्स हैं उसको स्मूथ कर देंगे ताकि एयर ड्रैग कम से कम हो। As you can see कि जो टर्बाइन के ब्लेड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और ये बिल्कुल टेम्पलेट के हिसाब से ही कटे हैं। नाउ अब हम इन्हें जॉइन कर देंगे एक आयरन स्ट्रिप की मदद से, और इसको फिर सुपर ग्लू से इसको जॉइन कर देंगे आयरन स्ट्रिप की मदद से। इसके ऊपर सुपर ग्लू अप्लाई करेंगे एंड देन इन होल्स में स्क्रू डाल देंगे।
इसमें हम होल्स कर चुके हैं, अब हम इस पर बोल्ट्स लगा देंगे ताकि और मजबूत हो जाए। हमारा विंड टर्बाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको डायनामो से कनेक्ट कर देंगे एंड आफ्टर दैट इसको मेन जो इसका बेस है ट्राइपॉड स्टैंड से कनेक्ट कर देंगे। एज यू कैन सी कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अभी हवा बहुत कम है लेकिन ये बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये जो विंड टर्बाइन है ये फिक्स्ड है। अगर हमें इसे मूवेबल बनाना है तो हम इसके पीछे टेल कनेक्ट कर लेंगे और ये अभी इसकी स्पीड थोड़ी और तेज़ हो गई है और ये अभी 2.0 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया तो फिर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट है www.parksc.org। थैंक यू।